A motorboat whose speed in still water is 18 kilometers per hour takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या क्या है? दो चीजें हैं. एक है हमारा motorboat in still water, speed of the motorboat, speed of motorboat in still water. ठीक है, ये हमारा क्या है? x, ये motorboat in still water is 18 kilometers per hour. 18 किलोमीटर्स पर आवर. ठीक है, अब ये तो स्टील वाटर में हो गया, लेकिन अगर उसमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाटर में है तब क्या होगा? तो अगर आपका अपस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम हमारा कैसा होता है? अगेंस्ट ग्रेविटी, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी. तो अगेंस्ट ग्रेविटी में हमारा क्या होगा? स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, है ना. तो हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे स्ट्रीम का स्पीड. ये हमारा एक्स है, सपोज एक्स किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अपस्ट्रीम में हमारा क्या होगा? 18 माइनस एक्स, तो हमारा हो जाएगा 18 माइनस एक्स. जो स्ट्रीम है उसका स्पीड माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपस्ट्रीम में. ठीक है, अब जब हम डाउनस्ट्रीम जाएंगे, डाउनस्ट्रीम में हमारा क्या होगा? ये क्या होगा? टुवर्ड्स ग्रेविटी. ठीक है, तो हमारा क्या होगा? 18 प्लस एक्स किलोमीटर्स पर आवर, ये हमारी स्पीड हो जाएगी. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये दोनों को इक्वल करेंगे. तो जब हम इसको इक्वल करेंगे तो हमारा क्या आएगा? हमारा फॉर्मूला क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ठीक है, हमारा डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने? 24. तो हमारा इक्वेशन जो बन के आएगा वो कैसे आएगा? 24 बाय, एक बार लेंगे हम अपस्ट्रीम का 18 माइनस एक्स, फिर दैट इज इक्वल टू, फिर लेंगे हम डाउनस्ट्रीम का 24 18 प्लस एक्स. ठीक है, ये तो हो गया हमारा इक्वल. लेकिन अब इसमें हम देखेंगे व्हाट इज टाइम. तो इसने क्या कहा? इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम तो ये है, तो इसमें 1 आवर इसने ज्यादा ले लिया, है ना, 1 आवर ज्यादा ले लिया, है ना, दैट टू रिटर्न टू डाउनस्ट्रीम. तो अगर इसने ज्यादा ले लिया है, इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस वन, है ना, मोर है तो हम क्या करेंगे? माइनस वन, जस्ट अपोजिट लेंगे उसका, माइनस वन. अब क्या करेंगे हम? वन को इस साइड में लेकर आएंगे, इस वैल्यू को इस साइड में लेकर आएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 24 बाय 18 माइनस एक्स, एंड राइट से लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 24 बाय 18 प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस वन, लेफ्ट से राइट में चला गया, हमारा हो गया वन. ठीक है, अब हम इसका क्या क्या निकालेंगे? एलसीएम. तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स,
दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 24 इंटू 18 प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18 प्लस 24x बाई नहीं करते हैं, ठीक है पहले बाई कर लेते हैं, बाई ए माइनस बी एंड ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा हो गया 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखोगे प्लस 24 इंटू 18 है, यहां पर माइनस 24 इंटू 18 है, तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, तो हमारा क्या बन के आएगा, हमारा आएगा 24x प्लस 24x दैट इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 48x इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को इस साइड में लेकर आओगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर प्लस 48x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक्स स्क्वायर एक्स देन ये, तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आएगा, हमारा करेक्ट इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 18 स्क्वायर क्या होता है हमारा, करके देखो कहीं पर, तो 18 इंटू 18 क्या होता है, तो हम यहां पर करते हैं 18 एंड 18, तो हमारा क्या आ जाएगा 64 सिक कैरी 8 वन जा 8 एंड 144 8 एंड 1 4 2 324, तो हमारा इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम 324 के फैक्टर्स निकालेंगे, हमारे फैक्टर्स क्या बनेंगे जस्ट चेक करो, तो हमारे फैक्टर्स बनेंगे 2 नेक्स्ट 1 6 2 नेक्स्ट 2 8 एंड 1 नेक्स्ट 3 2 एंड 7 नेक्स्ट 3 9 नेक्स्ट 3 एंड 3, तो 2 2 3 3 3 3 है ना, हमारा आना चाहिए 48, तो 48 हमारा कैसे आएगा, 9 into 2 is 18, 18 into 2 is, तो हमारा क्या आएगा नेक्स्ट 3। ठीक है, तो अब हमको इसको 48 बनाना है, तो 48 कैसे बनेगा, तो 48 बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लेते हैं 3 3 3 is 27, 27 into 2 is 54, 54 minus 6 हमारा क्या है 54 minus 6 is 48, तो अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो हमारा क्या आएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 50, ये प्लस में है सॉरी ये प्लस में है, तो हमारा यहाँ पर प्लस आ जाएगा प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा क्या हो गया, x इज कॉमन तो x प्लस 54, यहाँ पर 6 इज कॉमन तो हमारा आ गया x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ गया x इज इक्वल टू माइनस 54 और x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x हमारा क्या है,
स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है, तो हमने वही है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो एक्स हमारा निकल के आया -54, तो स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे इसको इग्नोर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है।